नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्मा बॉस कोलकाता कैरी ऑन बिजनेस एज होल सेल क्लोथ डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेज बुक फॉर जनवरी 2019। तो ट्रांजेक्शन फर्स्ट है जनवरी 3 की, परचेज फ्रॉम MS बिरला मिल्स कोलकाता, 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ 80 ईच और 50 पीस शर्टिंग एट 2500 ईच, CGST एंड SGST पेबल एट 6% ईच। तो इसका हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे डेट पार्टिकुलर LF डिटेल्स कॉस्ट SGST CGST SGST टोटल, ये इसका फॉर्मेट होता है परचेज बुक का। तो जनवरी 3 को एंट्री होगा पर्टिकुलर, यहाँ पे जो नाम जिसने ख़रीदा है उसका नाम, फिर यहाँ पे जो हम जो उसने ख़रीदा है उसकी एंट्री करेंगे। 100 पीसेस लॉन्ग क्लोथ ख़रीद रहा था वो 80 रुपये, जिसमें 800 रुपये ईच है, तो 100 रुपये पीसेस के हिसाब से ये हमारा ऐसा जाएगा 80,000 रुपये का। 50 पीसेस शर्टिंग है 500 रुपये की ईच है, तो 50 पीस के हिसाब से 500 रुपये का प्राइस आएगा 25,000, 300 का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,05,000 रुपये। तो CGST ऐड करेंगे जिसमें 6%, इसमें आ जाएगा 63,100 और SGST भी वही सेम, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,29,600, जिसमें हम कॉस्ट लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है इसमें, तो जो हमारा जो टोटल आया है इन दोनों का टोटल उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट। SGST हमारी 6,300 है, CGST में वही सेम, IGST हमने कुछ नहीं लगाई है क्योंकि हम SGST और CGST लग रहा है, इसलिए टोटल हमारा है यहाँ पे हमारा आएगा 1,17,600 रुपये और टोटल हमारा यही लिखना है 1,00,000। फिर हमारा जो नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन है परचेज फॉर कैश फ्रॉम MS कैश में ख़रीद रहा है, तो हम यहाँ पे इसमें परचेज बुक में हम नहीं लिखेंगे, जिसमें हम क्रेडिट वाले सामान लिखते हैं तो अब कैश वाले जिसमें फर्स्ट में ही कैश बता दें तो हम इसको एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम MS अरविंद मिल्स अहमदाबाद 20 पीसेस कॉटिंग 2,000 ईच, 10 पीसेस शर्टिंग एट 500 ईच, IGST पेएबल 12%। तो जनवरी 15 की हम एंट्री करेंगे, सामान जिससे ख़रीदा है 20 पीसेस कोटिंग है 2,000 रुपये की, तो उसमें 40,000 रुपये का आ जाएगा हमारा, 10 पीसेस शर्टिंग है तो ये भी हमारा आ जाएगा 5,000 रुपये का, जिसमें हम IGST इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 45,000 और जिसमें IGST हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,400, जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50,400 रुपये। तो हमारा कॉस्ट जो आएगा वो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा हो जाएगा कॉस्ट। और SGST हमारी नहीं है क्योंकि हमने IGST लगाई है, IGST इसलिए लगाई है क्योंकि वो अहमदाबाद का है और जो जो डीलर है जो जो बेच रहा है सामान वो कोलकाता का है, इसलिए हमने क्योंकि अलग अलग शहर है तो इससे हमारा जो IGST लग रहा है, SGST और CGST नहीं लगेगा। तो हमारा ये हो गया, फिर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं जनवरी 20 को परचेज फ्रॉम MS भारत टाइप राइटर है 5 टाइप राइटर। अब टाइप राइटर ख़रीद रहा है तो हम उसकी एंट्री नहीं होती है, कैश और जिसमें कैश में और टाइप राइटर ख़रीदता है उसमें हमारी एंट्री नहीं होती है, तो हम इसको टोटल करते हैं। कॉस्ट का टोटल आएगा हमारे पास 1,50,000, SGST हमारी आएगी 6,300 और CGST हमारी 6,300, IGST हमारी 5,400 और टोटल अमाउंट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1,68,000। तो टोटल ऑफ परचेज बुक होता है हमारा टोटल, ये वाला जो अमाउंट आता है जिसका टोटल उसका होता है टोटल ऑफ परचेज बुक, तो इसका 1,68,000 आएगा। और परचेज अकाउंट होता है हमारा जिसको कॉस्ट, जिसमें हम कॉस्ट में एंट्री करते हैं वो होती है हमारी परचेज अकाउंट की एंट्री। इनपुट CGST का हमारी एंट्री आई है 6,300 रुपये टोटल और इनपुट SGST CGST और SGST का अमाउंट टोटल सेम होता है, तो इससे और इनपुट IGST की हमारी टोटल आई है 5,400 रुपये।